Okay, now friends, now this is a horary chart. I have removed the name. This question was asked to me by one of my friends on, aap yahan dekhiyega, 29th May 2020 at 10:20 ne judge kiya tha AM, yahan Ranchi mein baith karke. When will my wife give birth to a child? Ye ek hamare mitr ne ye humse sawal kiya tha aur unhone नंबर दिया था 149. देखिए यहाँ नंबर लिखा हुआ है ऊपर 149 आउट ऑफ 249 नंबर दिया था. तो ये हमने इस टाइम में इस चार्ट को जज किया. चूंकि हमने आप लोगों को बताया था नियम कि हस्बैंड का चार्ट जो होता है उसको वाइफ के लिए अगर पूछ रहे हैं तो हस्बैंड का 11th हाउस हम का सबलॉर्ड हम देखते हैं. 11th हाउस का सबलॉर्ड जो कि वाइफ का 5th हाउस का सबलॉर्ड रहता है. हस्बैंड का 11th हाउस इज द 5th हाउस फॉर द वाइफ. ओके, तो कृष्णमूर्ति जी के रूल्स क्या हैं रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ? सिग्निफिकेटर्स क्या होने चाहिए चाइल्ड बर्थ के लिए? 2, 5, 11. और रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के क्या रूल्स हैं कृष्णमूर्ति जी के? कि कैसे जनरली कि प्रिंसिपल जो कस्प है उसका सब लॉर्ड, जैसे मैरिज के लिए हमने एग्जाम्पल कोट किया था, इफ इट इज केस ऑफ अ मैरिज 7th cuspal sublord if it is retrograde and if it is signifying the marriage giving houses, to shaadi tab tak nahi hogi jab tak 7th cuspal sublord direct motion mein nahi aayega. dusra niyam ye hai ki 7th cuspal sublord agar kisi aise nakshatra aise planet ke nakshatra mein baitha hai jo planet retrograde khud hai to phir shaadi nahi hogi. इवेंट का जो मेन प्रिंसिपल कस्प है उसका सबलॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है तो इवेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि वो डायरेक्ट मोशन में नहीं वापस आता है. लेकिन अगर वो ऐसे किसी नक्षत्र में बैठा है जिसका स्वामी रेट्रोग्रेड है तो वो इवेंट नहीं होगा. ये कृष्णमूर्ति जी के एक नियम है. लेकिन इस नियम में कृष्णमूर्ति जी ने दो इवेंट्स के लिए कुछ एक्सेप्शन किया है. ठीक है, एक इवेंट ये आपके सामने में मेरे पास जो हॉरोस्कोप इस तरह के दो इवेंट में दिखाऊंगा, मेरे पास लाइव केसेस हैं और कृष्णमूर्ति जी के मैं रूल्स पढ़ रहा हूं. दिस इज हिज बुक ऑन होररी एस्ट्रोलॉजी. ओके, एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 192. पेज नंबर 192 में कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं, क्वेश्चन इज एनी चाइल्ड फॉर मी, द रूल्स आर, दिस इज ओनली फॉर चाइल्ड बर्थ दैट आई एम रीडिंग आउट. द रूल्स आर the fifth sublord, the sublord of the fifth cusp is not retrograde. This is number one condition, it should not be retrograde. It and fifth cuspal sublord is not posited in a constellation of a retrograde planet. Number two, wo khud retrograde bhi nahi hona chahiye aur aise grah ke nakshatra mein nahi baitha hona chahiye jo ki retrograde hai. Number three, it is a significator of either 2nd, 5th, or 11th. Krishnamurti ji bolte hain, if any one of these three conditions is not satisfied, he has made an exception to his general rule. If any one of these three conditions is not satisfied, one will not be able to produce a child at all. Theek hai, dekhiye ये 40 साल हैं इनकी उम्र, करीब 10 साल शादी को हो चुके हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे, अभी फिलहाल हमें फाइंडिंग मिली तो मुझे, मैंने आगे इसमें कोई जजमेंट नहीं किया, मैंने आगे इसमें कोई जजमेंट नहीं किया. इसमें फिफ्थ सबलॉर्ड जो था वीनस, मैंने काट दिया है. मैं आपको दिखा देता हूँ, इस चार्ट खोल करके भी दिखा दूंगा. वीनस जो है फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड इज रेट्रोग्रेड. जिस दिन ये सवाल हमसे किया गया उस दिन वीनस जो है, वीनस रेट्रोग्रेड था. दिखाऊंगा आप लोग, नहीं था आप देख लीजिएगा, ये डेट्स है निकाल करके आप लोग खुद देख सकते. यू कैन चेक 29/5/2020 को वीनस रेट्रोग्रेड था कि नहीं. ठीक है, वीनस रेट्रोग्रेड था और 10 साल से जो है बच्चा नहीं हुआ. इट इज नॉट दैट दे आर नॉट ट्राइंग, दे हैव बीन ट्राइंग, दे हैव नॉट बीन ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड. तो इसमें मैं आगे प्रोसीड करने की आवश्यकता हमने नहीं समझी. ये चार्ट को रोटेट कर दिया हमने, देखिए रोटेट करना सिखाया था ना,
सेवेंथ हाउस को हमने जो है लग्न बना दिया है। तो और ये वाइफ का चार्ट हो गया, वाइफ का चार्ट हो गया। तो वाइफ का फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड इज वीनस एंड वीनस इज रेट्रोग्रेड, सो आई हैव टोल्ड देम टू गेट देमसेल्फ्स चेक्ड अप। फिर हमने उनको एक बात ये भी कहा था, हमने एक बात ये भी कहा था कि भाई देखो अभी शायद हो सकता है कि आप ऐसे समय में पूछे हो कि अभी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, आप हमसे एक बार फिर से जो है ना सितंबर अक्टूबर में जब अभी का टाइम बताया था हमने, या देख लीजिए वो खुद भी ज्योतिषी हैं, हमने कहा था आप देख लेना जब कोई ग्रह वक्री नहीं होना तब आप सवाल एक बार हमसे करके देख लेना, अभी हमें लग रहा है कुछ थोड़ा हो सकता है आप लोगों में प्रॉब्लम हो, प्लीज कंसल्ट ए डॉक्टर, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड देम। ठीक है, और मतलब दे आर नॉट वेरी यू नो जो आजकल मॉडर्न जो बच्चे होते हैं कि प्लानिंग बहुत लेट से करेंगे कि शादी हुई है अभी बच्चे का क्या करना है, दे आर वेरी दे बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली जिसमें बच्चे की बहुत जल्दी होती है। पहले जैसे होता था ना भाई जल्दी शादी करो जल्दी शादी करो जल्दी बच्चा पैदा करो अपना परिवार जो है, पहले ये उस जमाने के लोग हैं, तो 10 साल बच्चा नहीं हुआ है मतलब देर में भी ये प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे तो कृष्णमूर्ति जी ये सवाल जो है कि एनी चाइल्ड फॉर मी हु इज स्टेराइल, ठीक है, तो जिसका है वो शायद स्टेराइल होगा, यानी कि ये पत्नी का है तो शायद पत्नी जो है स्टेराइल होंगी, उनको डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। ये एक ऐसा नहीं है कि एक में ही हमने उसको खत्म कर दिया, एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं उसको भी खोल दूंगा। ये तो खैर हमारे मित्र हैं, ये हाल का है इसलिए इनका नाम मैं आपको नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, और ये फेमस एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो आप लोग शायद कभी पकड़ लीजिएगा, इसलिए इनका नाम नहीं। एक और एग्जाम्पल मेरे पास है जो कि मैंने 1994 में इस चार्ट को जज किया था, वो मैं खोल देता हूँ, वो आप लोग देखिए। सर एक क्लैरिटी के लिए आगे, ये हम लोग जो हाउस रोटेशन कर रहे हैं तो मान लीजिए जो प्रश्न करता है अगर वो अपने संबंध में प्रश्न करेगा तभी वो एक चार्ट को देखेगा, मान लीजिए ऐसा है ना जनरली मेल चार्ट, मेल चार्ट में क्या बोला गया है, मेल चार्ट में बोला गया है 11th, ये जो है इसका फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड जो है ना ये 11th, उसका 11th कस्पल सब लॉर्ड है। मेल चार्ट मेल जब पूछता है कि नहीं कि हम पिता बनेंगे कि नहीं, तो आप उसके 11th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को देखिएगा जो रेट्रोग्रेड है कि नहीं है, बात वही है। ये फिफ्थ अच्छा, हो गया बीवी का, बात वही है अच्छा। आप वहीं पर देख करके कहानी को खत्म कर नहीं, नहीं नहीं मेरा वो क्वेश्चन नहीं था, मेरा अभी इस बात से था कि मान लीजिए कोई प्रश्नकर्ता पूछता है कि मेरी बेटी का शादी होगा कि नहीं, तो हमको उसका बेटी के हिसाब से करना पड़ेगा हाउस रोटेशन या उसी के चार्ट से देखेंगे। पहली बेटी पहला बच्चा है तो फिफ्थ हाउस, दूसरा बच्चा है तो सेवंथ हाउस, तीसरा बच्चा है तो नाइन्थ हाउस, अच्छा वो रोटेट करके ही देखना है, फिर जो भी प्रश्न कर उसके बाद रोटेट करके ही देखना। ठीक है, आपने ये जो 3 रूल बनाए बताए आपने राइटिंग में डाले हैं ना, क्या आपने चाइल्ड के लिए 3 रूल बनाए हैं बताए हैं वो आपने राइटिंग में डाले हैं ना, क्या रूल बनाए हैं जो अभी सर आप पढ़ रहे थे वो रूल्स की बात कर रहे हैं आप, अभी आपने 3 रूल बताए ना चाइल्ड के लिए? नहीं नहीं डाला, मैं डाल देता हूँ यहाँ, यहीं पर डाल देता हूँ, ठीक है मैं अभी डाल देता हूँ क्योंकि वो मेरा मिस, क्योंकि वो मेरा थोड़ा मिस हो गया इसके लिए मैं आपको। देखिए ये देखिए 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 ये किताब आपके पास है? ओके वैसे मैं डाल देता हूँ, ये मेरा अपना रूल नहीं है। ओके ओके फाइन, ये किताब है आपके पास? इसमें पेज नंबर नहीं मेरे पास, देखिएगा वह मैं डाल देता हूँ, मैं डाल दूंगा ये वीडियो आप लोगों को भेजने के पहले जो है ना, एक्चुअली मैं डाल देता हूँ 3 रूल। ओके फाइन, हाँ बस फाइन, एक मिनट रुकिए रुकिए मैं डाल ही देता हूँ, खत्म ना, हाँ करेक्ट करेक्ट। बहुत इजी हो जाता है ना सर, हाँ हाँ कंडीशंस फॉर चाइल्ड बहुत इजी, हाँ मैं डाल देता हूँ इसको, ठीक है ओके ओके सर। रूल्स फॉर चाइल्ड बर्थ।
एच छिप गया, हाँ कर देते हैं, ओ एच छिप गया है। अभी कर देंगे, आने दीजिए, घूमने लगाइए गोल गोल। रूल्स फॉर चाइल्ड बर्थ, अरे ये रेड हट गया है, ये काला आ गया है। ठीक है, अब इसको 16 पे आ गया। ठीक है, नंबर वन बोल्ड और अंडरलाइन भी हटा दिया। अरे यार ये बड़ा तंग करता है। नंबर वन, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ CSL, शुड नॉट बी ए रेट्रो। ठीक है, Fifth CSL should not be deposited in the star of retrograde planets. ठीक है, CSL should signify two or five or 11th house if any of the three conditions is not fulfilled, the person is incapable child. ठीक है, ये तीनों कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए, तभी जो है चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस्ड है। ठीक, और ये सिर्फ होरारी केस के लिए है, नॉट फॉर, ये ओनली होरारी। केपी में रेट्रोग्रेड प्लैनेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ होरारी में है, बट तब भी देखिए देख लीजिए कौन सवाल कर रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा आदमी सवाल कर रहा है जो वाकई बहुत परेशान है, जैसे ये वाला, ये तो केस अभी रीसेंट है, एक जो अभी मैं इसके बाद जो जिस पर आऊंगा वो कपल, अब नाउ दे आर 60+, ऑलमोस्ट माई एज, हमसे 2-3 साल छोटे होंगे, वो तो 62-63 वो लोग होंगे, और 1994 में हमने वो सवाल लिया था, बाद में हमने उसको, समय तो कंप्यूटर नहीं हुआ था, मेरे अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर में था, तो उसको हमने इसमें कन्वर्ट करके डाला हुआ है अपने रिकॉर्ड्स के लिए, 1994 में जजमेंट किया था, उसी समय हमने उनको बोला था,
आज तक उनको मतलब बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, तो वो मैं नॉवेबल जी आपका एपी वहां से पक्का है सर 94 से क्या चीज 94 से आपका केपी बहुत पक्का है मतलब वहां से ही नहीं वो मैं फिर शुरू देखिए 91-92 में सीखना शुरू किया था अरे मैंने सारा वो केपी का इतना मैगजीन्स जो है ना वो सब मंगवाया था हमने पहले मिलता था पुराने इश्यूज सब बाइंड किए हुए हाँ उसमें मैं लिखता भी था मैं केपी के मैगजीन में चलिए मैं दूसरा खोल रहा हूँ ठीक है सेम ये सेम है कौन वाला है कोई सो रहा है क्या की आवाज आ रही है यार आवाज तो आ रहा है सिन्हा सर होंगे कौन है भाई सिन्हा सर होंगे सिन्हा सर सो गए होंगे अरे यार अच्छा अरे मेरा माइक बंद है देखिए हमने नाम छिपा दिया है ठीक है ये आप लोगों नहीं नाम ना आप लोगों को नजर आ रहा होगा हमको नहीं छिपता एनीवे वो बहुत पुराना है और आप लोग नहीं जाने ही इनको ये मैं उस समय मुरादाबाद में था वहां का केस है देखिए हमने ये कहां पर सर्व सॉल्व किया था देखिए 1/11/1994 @7:35 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश मेरी पोस्टिंग थी उस समय उसी से हमने ये होररी चार्ट लेकर के अब कंप्यूटर में डाला उस समय तो सब मैनुअल हुआ करता था तो मुरादाबाद के टाइम से हमने इसको निकाला हुआ है ठीक है अब देखिए इसमें आप ये भी हस्बैंड ने सवाल किया था ठीक है फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन है देखिए सैटर्न है ठीक है सैटर्न के सामने क्या लिखा हुआ है देखिए ये आर जो हमने बोला था ना ये कॉलम देखिएगा ये आर लिखा हुआ है ठीक है ये आर लिखा हुआ है सैटर्न के सामने सैटर्न फिफ्थ हाउस सब लॉर्ड ऑफ द वाइफ वाज रेट्रोग्रेड दे हैव नॉट बीन ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड एज येट अब क्या होगा मतलब अब तो वो लोग रिटायर हो गए अब तो दे आर he must be almost I think 64-65 now उस समय तो of course कब की बात है ये 96 और 20 26 साल पहले की बात है 6 और 20 हाँ 26 साल पहले की बात है तो उस समय child producing age थी और बताया इसमें और भी वैसे combinations इनके weak हैं fifth house child bearing मतलब अदरवाइज भी बहुत प्रॉमिस नहीं है थोड़ा सा है इंडिकेशंस लेकिन अगर आप इसको स्टडी करेंगे ठीक है फिफ्थ हाउस सब लॉर्ड के सिग्निफिकेशंस को अगर आप देखेंगे तो प्रॉमिस तो है लेकिन प्रॉमिस बहुत स्ट्रॉन्ग अदरवाइज भी नहीं है अगर आप लोग इसको फिफ्थ हाउस अगर आप चाइल्ड का देखेंगे तो फिफ्थ हाउस के देखिए सिग्निफिकेशन सैटर्न के है सब लॉर्ड है सैटर्न सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है सैटर्न सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है ठीक है सिक्स को ओन करता है सेवेंथ को ओन करता है किसके नक्षत्र में सैटर्न है बताइए राहु के थर्ड में है ठीक है राहु वैसे जुपिटर को सिग्निफाई करता है वहां से थोड़ा मिलता है लेकिन सवाल यह है कि इसमें वही है कि तीनों में से एक कंडीशन अगर कृष्णमूर्ति में फुलफिल नहीं होता तो काम नहीं होता है और ये हमने और भी मेरे पास केसेस हैं अब मुझे रजिस्टर पुराना निकालना पड़ेगा लेकिन ये दो केस मुझे याद था क्योंकि ये दो दोस्त दीज टू पीपल आर वेरी क्लोज टू मी अब और भी मैंने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए होंगे ध्यान नहीं आता लेकिन ये है अभी कृष्णमूर्ति जी कैसे करते थे इसको क्यों इन्होंने ये एक्सेप्शन बनाया मैं इसलिए बोलता था ना कि उनकी सबसे अच्छी किताब 6 में से यही है दिस इज द बेस्ट बुक होररी एस्ट्रोलॉजी ये सबसे अच्छी किताब है ये भी चार्ट रोटेटेड है इलेवेंथ पे इसको करके देखें ना हाँ इलेवेंथ पे ले जाके इलेवेंथ पे ले जाएं इसको नहीं फर्स्ट पे ले जाएंगे ना इलेवेंथ पे नहीं हस्बैंड फर्स्ट
यहाँ पर सीधे आ जाइए, चैट डिटेल्स पे आ जाइए, चैट डिटेल्स पे ओरिजिनल चैट खुल जाएगा, चैट डिटेल्स में ओरिजिनल चैट खुल जाएगा। ये चैट डिटेल्स आ गया इनका, 11 सब लॉट देख लीजिए कौन है, 11 का सब लॉट सैटरडे तो वही होगा ना। आप चार्ट रोटेट यहाँ से किसी भी चार्ट को, जो आप जो पूछ रहे थे अंशुमन जी, ये रोटेट चार्ट कर लीजिए, रोटेट चार्ट कीजिए, और जो देना है आपको फर्स्ट चार्ट, पहले बच्चे का अगर वेडिंग देखना है या पहले बच्चे से रिलेटेड कोई भी सवाल देखना है फर्स्ट चाइल्ड से, तो 5 नंबर पर दबा दीजिए, 5 नंबर इज योर फर्स्ट चाइल्ड, 5 नंबर की वो कुंडली खुल जाएगी, उसमें आपको प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और ऐसे केस में मून का कनेक्शन हमको रोटेटेड चार्ट में ही देखना है। हाँ, क्या चीज? मून का कनेक्शन रोटेटेड चार्ट में ही देखना है। नहीं, मून का कनेक्शन आपको देखना है, मैं जो सवाल पूछ रहा है। अच्छा, मून का कनेक्शन देखना। हाँ, मून का कनेक्शन आप देखिएगा, जो सवाल पूछ रहा है उसी से देखना चाहिए। वो तो सिर्फ सीरियसनेस के लिए है या क्या? हाँ, नहीं नहीं, मतलब देखिए, जहाँ मैंने कि अब ये को ये 14-15-16 साल हो गया था, ठीक है, तो अब उसमें सीरियसनेस को डाउट, ऐसे केसेस में जहां आपको मालूम है कि ये प्रॉब्लम इसमें वाकई हो सकता है कि उसमें आपको उतना नहीं मिले, कई बार जो है नहीं भी मिल सकता है, लेकिन जहां पर आप नहीं जानते हैं, आपको लग रहा है कि ये सीरियस कैंडिडेट नहीं होगा, हमारे पास सीरियस सवाल करने नहीं आया है, तो वहां आप चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर आप मून का देखेंगे, मून का कहाँ गया, यहाँ हमने पता नहीं इसमें देखा था कि नहीं, इसलिए हमने नहीं देखा होगा कि आई न्यू दिस पर्सन, और हमको मालूम था कि बहुत इनके लिए, हम जानते थे बच्चे मतलब ट्राई कर रहे हैं, काफी साल हो गए शादी को, काफी साल हो गए हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई मून का जो है, मून कहाँ है, बैठा कहाँ है, बैठा कहाँ है, मून बैठा है वर्गो में। हाँ, मून बैठा है वर्गो में, अपने इससे है, अपने ही नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है ना, अपने ही नक्षत्र में है, तो सेवेंथ को सिग्निफाई कर रहा है, तो इसका डायरेक्ट वे सेकंड को, ये नहीं सेकंड पर भी इसकी दृष्टि तो नहीं होगी, नहीं करी, ठीक है, इसमें मतलब बहुत डायरेक्ट कनेक्शन हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन सिक्स से कनेक्शन मिल रहा है, सिक्स से कनेक्शन आप निकाल सकते हैं कि हो सकता है मेडिकल चेकअप वगैरह उन लोगों ने करवाया हुआ, 14-15 साल शादी को हो गए थे, तो कुछ डिजीज रिलेटेड भी हो सकता है, मून कोई डिजीज दिखा रहा है ना, मून इज ओनर ऑफ द सिक्स हाउस, बहुत तरीके से आप कनेक्शन निकाल सकते हैं, वेदर इट इज अ सीरियस क्वेश्चन आर नॉट, यू मस्ट नो योर क्लाइंट, KYC जो बैंकिंग में बोलते हैं ना, KYC इसमें भी होना चाहिए, यू मस्ट नो योर क्लाइंट, तो यहाँ वैसे ही मून से हम कनेक्शन निकालते हैं। अच्छा सर, होरोरी चार्ट से रिमेडियल बताया जाता है कि नहीं? हाँ, सब कुछ बताया जाता है, रिमेडियल मेजर्स जैसे जो कुछ जैसे वैदिक में प्रिस्क्राइब। देखिए, रिमेडियल मेजर्स में बहुत ज्यादा आप देखिएगा, KP जो है ना, कृष्णमूर्ति जी आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूजा पाठ ये सब रिमेडियल मेजर्स करके कहीं आपको कृष्णमूर्ति में कहीं कहीं पूजा पाठ, उन्होंने साउथ इंडियंस वैसे भी थोड़ा सा उधर गणपति का ज्यादा होता है, तो गणपति की मूर्ति रख लीजिए, कितनी KP की किताबें आप पढ़ेंगे, खास करके चाइल्ड बर्थ वगैरह में, इनको हमने बल्कि बताया भी था, ये इन्हीं को, योगेश गुप्ता जी हैं, इनको हमने बताया भी था कि आप गणपति के, ये कृष्णमूर्ति हम भी नए नए उस समय शुरू कर रहे थे, तो इसी किताब में कहीं हमने पढ़ा था, गणपति का ब्रॉन्ज मूर्ति की पूजा कर रख करके पूजा कीजिए, ये उपाय तो इन्होंने किया भी था लेकिन नहीं हुआ। तो ये है, इसमें इसका भी हमने बनाया है पेंट में, कौन सा वाला है मैं भूल जाता हूँ,
पेंट मैम ने बनाया हुआ है, मैम कल आप लोगों को शेयर कर दूंगा प्रॉपर वाला, तो वो तो पीडीएफ में जब जाएगा तो पीडीएफ में जहाँ लिखना उखना होता है वो मैं करके ही भेजूंगा, बिना उसके नहीं भेजूंगा। तो आज के लिए मैंने इतनी ही तैयारी की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत अच्छा क्लास हुआ सर आज का, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। ये केसेस आपको आप देखिएगा, आप देखिए, आप लोग यूट्यूब सुनते होंगे बहुत, अब आई डोंट नो मतलब ये केसेस आपको शायद कम मिलेंगे, बट दिस इज दीज आर एक्सेप्शन इन कृष्णमूर्ति के जो रूल्स हैं उसमें ये एक्सेप्शन हैं। एक जगह और उन्होंने परचेज ऑफ प्रॉपर्टी में भी ये रूल एक जगह लागू किया है, मेरे को देखना पड़ेगा वो कहाँ उन्होंने लागू किया है। तो एक एक करके हम एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आई सपोज इसको कहीं आप लोग राइटअप पर ही मत डिपेंड कीजिएगा, अपने नोट्स भी बना लीजिएगा कल को, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन। नोट बनाने का तरीका भी इसी में सिखा गया सर, बड़ा अच्छा लगा नोट बनाने का तरीका। हाँ हाँ, इसका भी मौका मिल गया ना सर, कैसे कैसे लिखा जाए। विश्लेषण करने का वही तरीका होता है, ठीक है। चलिए देन, आई थिंक 11:15 तो हो ही गया है, रिकॉर्डिंग नाउ, उसके बाद कुछ बात करना है तो हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ओके फॉर वॉचिंग, चलो बाय।